मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रावधिक कला के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं मित्रों, इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करेंगे कि आखिर में जो आपका प्रावधिक कला यानी आलेखन होता है उसमें कैसे कैसे चीज़ों की ड्राइंग करना होता है मित्रों, कैसे कैसे चीज़ों को बनाना होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्रकला है और आलेखन एवं प्रावधिक। तो हम आपको काफ़ी प्लेलिस्ट में बताएंगे, प्लेलिस्ट में आपको दिखाएंगे भी, वहाँ पे आप जाके अपनी एक एक तैयारी करेंगे। तो अगर मित्रों बात करें आलेखन एवं प्रावधिक कला के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जग है, स्टील का जग है। तो ये जो है मित्रों, आप देख पा रहे हैं 2011 में पूछा गया, स्टील का जग के बारे में पूछा गया है। ये बैडमिंटन है, बैडमिंटन रैकेट है, तो इनका भी आपको फिगर, ये सब आपको सीखना होता है मित्रों। आप देख पा रहे हैं जिस जिस सन में पूछा जाता है वो दे भी दिया है। यहाँ देखिए ये 2011 पूछा गया है। दूध का डिब्बा आप देख पा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार ये थर्मस है। किताब पर रखी हुई बोतल आप देख पा रहे हैं, किताब की रखी हुई बोतल मित्रों, ये प्रावधिक कला के ऐसे कला आपको ड्राइंग करना होता है, बनाना होता है। अटैची मित्रों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख पा बड़ा सिंपल है, अगर आप अभ्यास करेंगे सीखेंगे, खुली हुई किताब है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके प्रावधिक कला में आएंगे। 2019 में पूछा गया है। फिर देखिए फूलों की टोकरी, फूलों की टोकरी यानी कि टोकरी में फूल भरा हुआ है, 2012 में पूछा गया है। क्रिकेट का गेंद व बल्ला आप देख पा रहे हैं, ये भी 2012 में पूछा गया है। तालाब में कमल का पुष्प, तो ये मित्रों प्रावधिक कला जो होता है आपका आलेखन एवं प्रावधिक जो होता है उसमें ऐसे ऐसे फिगर की ड्राइंग करना रहता है। तो यहाँ पर हमने आपको सिखाया और हम आपको दिखा रहे हैं मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए मित्रों, ये प्रश्न रहेगा, उसके बाद आपको ऐसे बनाना होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, इस प्रकार से आपको बनाना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2012-16 में आया गया, 2012-2016 में आया है। क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने समक्ष रखी गुलाब के फूल के टहनी का सुंदर एवं स्वाभाविक चित्रण कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं ये गुलाब का फूल यहाँ पर है, ये पूरी इसकी टहनी होनी है। फिर देखिए फूल की ताजगी और कोमलता की पूर्ण अभिव्यक्ति होनी चाहिए, रंगों द्वारा छाया और प्रकाश स्पष्ट होना चाहिए, चित्रण में आकारों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तो ये मित्रों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ना है, फिर आपको इसके बारे में बताना है, ठीक। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग सीख पाएँ प्रावधिक कला में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मित्रों हर दिन आपके लिए दो दो, एक तो दो वीडियो ले आते रहेंगे, और यदि आप चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।